अष्टावक्र गीता चैप्टर 14। श्री जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता, तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है? साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। आंतरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले प्रायः मत पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। चैप्टर 15। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा ना होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत स्तब्ध और कर्म ना करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। ना तुम शरीर हो और ना यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। और द्वेष, अप्रियता मन के धर्म है और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुख पूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्मस्वरूप परमात्मा हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा ना आती है और ना जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि या लाभ है? अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है, इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्यय शांत चैतन्य निर्मल आकाश में तुम अकेले हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबंधित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? अतः मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप
तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प ना करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। एक ही भवसागर सत्य था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है न बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार ना करो। तुम आत्मरूप हो और तुम मुक्त ही हो, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है।